चावल मैंने चढ़ा रखा है और ये रहा चाय। तो चलिए हम चाय पीते हैं। तो फ्रेंड मैंने आज सब्जी बीन्स की बनाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा बना लूँगी कि शाम का भी मेरा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम जा रहे हैं सब्जी काटने। चलिए सब्जी काटने चलते हैं। मेरा जग गया। अब थोड़ा सा ये 5-10 मिनट ये हमारा टाइम लेगा। हम सोचे थे कि सब्जी फटाफट काट लें, लेकिन इनको 5-10 मिनट थोड़ा मनाना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे। तो बाबू मेरा हो गया है लड्डू मेरा, देखो मान गया। बहुत जल्दी उठ के ना रोने लगता है, नंदा बच्चा हो गया। 10 मिनट लगाता है वो मेरे साथ। यहाँ है एग, देखो एग इसमें रखा है मैंने। रुको रुको मैं निकालती हूँ, आपसे नहीं निकलेगा। तो मैंने एग बाबू के लिए कर लिया, क्योंकि बाबू नमक और ब्लैक पेपर बस ये है, और ऑयल डाला है। अब इसको मैं डाल देती हूँ। बाबू का मैंने नाश्ता बना लिया है, और इसमें अब ये सॉस है ना, ये सॉस के साथ ही खाता है। बस इनफ है इसके लिए। तो लड्डू तुम्हारा नाश्ता। थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। चलो अब खाना, ठीक है? ओके लड्डू। और अंडा कह रही हूँ एग ऑमलेट दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। सब्जी बनाने के बस झाड़ू और पोछा करना है, ये काम कंप्लीट होने के बाद जल्दी से इसके बाद मैं शावर ले लूँगी। तो आज मैंने ब्लॉग ही लेट ही बनाना स्टार्ट किया फ्रेंड, क्योंकि मैं सुबह उठ गई थी 8:30 बजे तक उठ गई थी। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, अगर मैं उठती हूँ तो लड्डू भी उठ जाता है, तो वही हो जाता है। और थोड़ी ठंड भी है, तो काम तो मैं पूरा दिन का रात में ही कर लेती हूँ, तो बस कुछ इतना करना नहीं होता है, बस मुझे सिर्फ लंच बनाना रहता है। तो आज मैं उठ गई थी, आप लोग भी कहोगे कितना लेट उठती है, तो मैं उठ गई थी यार, सुबह उठी थी 8 बजे, और फिर इसके बाद फिर सो गई, फिर उठी, तो उठी तो मैं 12 बजे गया था मुझे उठते उठते, यार क्या बताऊँ। तो क्या करें, बच्चों के साथ करना पड़ता है। तो मैंने आलू और बीन्स की सब्जी बना रही हूँ। आप कहोगे कि आलू भी जस्ट तुरंत काट रही हूँ, आलू को कटिंग करके इसके बाद इसको फटाफट
बना देती हूँ। दाल चावल बन गया है, चलिए सब्जी बनाते हैं। तो लंच हो गया है कंप्लीट और लड्डू ने भी लंच कर लिया और इन्होंने भी अपना लंच कंप्लीट कर लिया। अब मुझे करना है क्योंकि मैं अभी नहा के इसके बाद ही लंच करूँगी और डेली का रूटीन तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा यही है फ्रेंड। तो फिर क्या करना है, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। आप लोग के कॉमेंट से काफ़ी मुझे मोटिवेट मिलती है फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और बाबू को तो अभी नहलाया नहीं, आज नहलाऊंगी नहीं, उसको सुलाने के बाद फिर मुझे एडिट भी करना है। एडिट करने के बाद ही कुछ करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। आप लोग से अभी क्या बोलूँ, बस सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड, बार बार के सपोर्ट कीजिए प्लीज़।